हस्बैंड विजय सिंह चंपावत जिनको स्ट्रोक आया था और हम घर पे ही थे और उनको स्ट्रोक आया तो हम एक हॉस्पिटल नज़दीक जो हॉस्पिटल थी वहाँ ले गए तो उन्होंने कहा कि MRI किया उन्होंने और बोला कि बचने के कोई चांसेस नहीं है, ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमने फिर रात को 1:30 बजे डॉक्टर भाईसी शाह को फ़ोन किया कि भाई मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है और उन्होंने ही पहले उनको ट्रीट किया था तो उन्होंने बोला कि ठीक है होप के कुछ कर सकते हैं उनको MRI रिपोर्ट सुनने के बाद। हम लोग फिर उन्होंने बोला कि अब सिम्स आ जाओ, मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ। उनके छोटे दिमाग में जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं मेडिकल टर्म में, उसमें हेमरेज हो गया है और हमारी टीम सिम्स इमरजेंसी में पहले से ही हाजिर थी। जैसे ही वो आए तुरंत प्राइमरी ट्रीटमेंट, उनके बाकी के फर्दर इन्वेस्टिगेशंस सब चालू हो गया। एक साइड पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, दूसरी साइड पे ट्रीटमेंट चालू कर दी और 4 बजे के आसपास उनको ICU में शिफ्ट किया। मुझे लग रहा है कि जो आके उन्होंने ट्रीट किया उनकी वजह से शायद बच गए वो, क्योंकि आगे हॉस्पिटल में बोला ही था कि वो बचने वाले नहीं है। इट वॉज ए डिफिकल्ट केस, तकलीफ वाला था क्योंकि उनको यही प्रॉब्लम 2014 में हुई थी। वो टाइम पे ऑलमोस्ट गैस्पिंग कंडीशन के अंदर, मतलब कॉलेप्स कंडीशन के अंदर, और वो टाइम पे उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया था। ही वॉज वेरी क्रिटिकल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन अगेन दिस सेकेंड एपिसोड हैपन और ऑलमोस्ट 15 दिन उनको ICU में रखा और व्हाटएवर आगे के इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड टाइम हेमरेज क्यों हुआ उसके लिए उनकी एंजियोग्राफी वो सब करके व्हाटएवर बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल थी वो दिया एंड देन ही वॉज इन द रूम फॉर सम टाइम और अच्छा होके इन ए गुड कंडीशन वी कुड सेंड हिम होम। और मैं अब जो बचने की कोई उम्मीद नहीं है वो मेरे हस्बैंड को हंसते हंसते घर लेके जा रही हूँ, वही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर।